जेवुं करशुं एवुं भोगवुं पड़शे। 5 वर्षना बाळके भविष्यना दर्शन कराव्या। सूरतनी सत्य घटना। मगन काका हवे वृद्ध थई चुक्या हता। ए गामडे रहेता हता। वृद्धावस्था ना कारणे एमनी आंखो अने शरीर कमजोर थई गया हता। चालवामां पण एमने घणी तकलीफ पड़ती। माटे हवे ए बाकीनुं जीवन तेमना पुत्र नितेश साथे वितावा मांगता हता। नितेश सूरत शहेरमां नोकरी करतो हतो। मगन काका शहेरमां एना घरे रहेवा माटे गया। एमने थयुं के बाकीनुं जीवन एमना पुत्र साथे वितावशे। नितेश सूरतमां एक नानकड़ा घरमां रहेतो हतो। तेनुं घर नानुं हतुं पण घरनी वस्तुओ घणी मोंघी हती। नितेश एनी पत्नी अने 5 वर्षना पुत्र साथे रहेतो हतो। वृद्ध पिताना आगमन साथे तेमना परिवारमां वधु एक सभ्य वध्युं। हवे आखो परिवार डाइनिंग टेबल पर बेसी साथे मळीने भोजन करता। मगन काका वृद्ध हता अने कमजोर होवाथी क्यारेक भोजन करती वखते एमना हाथे काचना वासन तूटी जता तो क्यारेक कनिक मूंग कनिक टेबल नीचे पड़ी जतुं। शरुआतना दिवसों मां तो नितेश अने एनी पत्नीए आ वातथी कोई तकलीफ न होती, परंतु समय जता एमने आ वातथी गुस्सो आववा लाग्यो। एक दिवस नितेशे एनी पत्नीने कह्युं, क्यां सुधी आवुं चालशे? आपने कनिक करवुं पड़शे। रोज काचना मोंघा वासन तूटे ए आपणने न पोसाय। नितेशनी पत्नी पण आ वात साथे सहमत हती। बीजे दिवसे नितेश क्यांकथी एक जूनुं टेबल लावीने घरना एक खूणामां मूकी दीधुं। रात्रे भोजन समये एना पिताने कह्युं, पप्पा आजथी तमे अहीं बेसीने तमारुं भोजन करजो जूना टेबल पर। एमना साथे लाकडानुं एक वासण पण बनाव्युं हतुं, जेमां पोताना वृद्ध पिताने रोज भोजन आपवानुं शरू कर्युं। पोताना मोंघा खर्चना वासणो बचाववा माटे तेना वृद्ध पिता ने लाकड़ाना वासणमां भोजन आपवामां तेने जराय शरम न आवी। हवे ज्यारे पण जमवानो समय थतो त्यारे वृद्ध पिता एक खूणामां जमता अने नितेश एनी पत्नी अने एनो पुत्र साथे मळी डाइनिंग टेबल पर भोजन करता। डाइनिंग टेबल पर जमता क्यारेक बंने पति पत्नी एमना वृद्ध पिता तरफ जोई लेता। अमुक वार एमने पितानी आंखोमां आंसू पण देखाता, परंतु नितेश अने एनी पत्नी पर एनी कोई असर न थती। नितेश नो पुत्र पण रोज आ घटना जोतो अने ते पोताना मां खोवायेलो रहेतो। एक दिवस ज्यारे पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बेसीने भोजन करी रह्या हता त्यारे तेमनो पुत्र जमीन पर बेसीने कनी करी रह्यो हतो। बन्ने एना हाथमां लाकड़ानो टुकड़ो जोयो, परंतु ए लाकड़ाना टुकड़ा साथे शुं करी रह्यो छे ए तेमने कशुं समजायुं नहीं। नितेश पोताना पुत्र ने जमवा माटे बोलावे छे अने पूछे छे, बेटा आ लाकड़ाना टुकड़ा साथे तुं शुं करे छे? त्यारे बाळके निर्दोषताथी कह्युं, अरे पप्पा हुं तमारा बन्ने माटे लाकड़ाना वासण बनावुं छुं, जेथी तमे ज्यारे वृद्ध थाव त्यारे हुं तमने दादानी जेम मेहमान भोजन आपी शकुं। तेमना 5 वर्षना मासूम पुत्र ने कहेली आ साधारण वात नितेश अने एनी पत्नी ने तीरनी जेम वागी। ए बने एकबीजा सामे जोवा लाग्या। कनी पण बोल्या वगर बन्नेनी आंखमां आंसू आवी गया अने तेओने तेमनुं भविष्य देखावा लाग्युं। हवे तेमने आगळ शुं करवुं छे ते समजवामां वधु समय न लाग्यो। नितेश बीजे ज दिवसे ए जूनुं टेबल रूमना खूणामांथी हटावी दे छे अने हवे एना वृद्ध पिता परिवार साथे भोजन करता। हवे एना पिता भले कनी पण टेबल नीचे पड़ता के क्यारे वासण तूटी पण जाय तो पण ए जराय गुस्सो कर्या विना समझी लेता। कोई एमनो दोष नथी, घड़पणनी कमजोरीना कारणे चाल्या करे। नितेशना पुत्र ए नानी उम्रमां ज एमना भविष्यनी स्थितिना दर्शन करावी दीधा, परंतु एमने समय सूचकता वापरीने पोतानी दशा सुधारी लीधी। कहेवाय छे ने के जेवुं करीए एवुं भोगवुं पड़े। नितेश अने एनी पत्नी वृद्ध पिता साथे जेवुं करता भविष्यमां एमने पण ए ज भोगवुं पड़त। जो स्टोरी तमने गमी होय तो लाइक करो, मित्रों साथे वधुमां वधु शेर करो। तो मळीशुं एक आवी ज नवी स्टोरी साथे। त्यां सुधी बधाने जय श्री राम। धन्यवाद।